अच्छा, आपको मैं बता दूं कि 2023 में इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी बदलाव होने वाला है। शायद कुछ बदलाव आपको पता है और कुछ बदलाव नहीं है, तो मैं आपको एक एक करके बदलाव बताता हूं। और उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग करना है और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना है, मैंने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है। चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। तो चलो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं 2023 में, इंजीनियरिंग में यह बदलाव होगा। और देखो, सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला कि फेसबुक ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वो जो पहली तिमाही है, मतलब कि उसमें वो जॉब नहीं देगा। सेम अमेजोन ने भी कर दिया है, सेम गूगल ने भी कर दिया। तो बड़ी आईटी कंपनियों में जॉब लेना एक चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस बार आईआईटी और एनआईटी वाले सबसे ज़्यादा रिलाएंगे। आईआईटी और एनआईटी वालों की वजह से ही कंपनियों का लॉस हुआ, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आईआईटी और एनआईटी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो गूगल में, अमेज़ॉन में और फेसबुक में जॉब कर रहे थे। तो बड़ी आईटी कंपनियों ने तो ये मेजर कर दिया, जो बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होगा उनके लिए जॉब लेना इस बार बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि कंपनियां आती थी। जब मेटा ने हायर किया था तो बहुत ज़्यादा कैंपस प्लेसमेंट मेटा ने कर लिया था, वो इसीलिए कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिनको 50 लाख से कम की पैकेज पर रखा था मेटा ने। तो ऑब्वियसली हाई पेड सैलरी जॉब थे और इनके लिए चीज़ें भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब सैनैरियो दूसरा हो जा रहा है, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज ये हो रहा। देखो, जितनी भी आईटी फर्म्स है, चाहे वो विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, टीसीएस हो गई, टेक महिंद्रा हो गए, इस बार सबने ऑफर लेटर भी कैंसिल किया। अब ऑफर लेटर कैंसिल किया तो चीज़ें भी थोड़ी सी समझ से बाहर जाएंगी। ऑफर लेटर कैंसिल करना बहुत बड़ी बात होती है। कंपनियों के पास प्रोजेक्ट नहीं था इसलिए उन्होंने ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया, लेकिन उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऑफर लेटर कैंसिल हो जाता है या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उससे डरिए मत। ठीक है, चीज़ें होंगी, सही से होंगी और अच्छे से होंगी चीज़ें। एक बात और मैं क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी ऑफर लेटर कैंसिल कर रही है ना, तो जब भी उसके पास प्रोजेक्ट आएगा वो फिर से हायरिंग करेंगे। तो कुछ कंपनियां, उनमें से टेक महिंद्रा ने, एक दो और कंपनियों ने बोला कि हाँ, 2023 में हम 15-20 हज़ार इंजीनियर्स की हायरिंग करेंगे, मतलब रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं बिजनेस ग्रोथ का और उसमें बढ़ेगा। लेकिन अगर कोर इंजीनियरिंग की बात कर लिया जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग फील्ड में चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इंडिया में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रिसेशन तो है लेकिन इंडिया में इनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, रिसेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और कोर इंजीनियरिंग वालों का ज़माना फिर से वापस आ रहा है। और मैं बता दूँ, कोर इंजीनियरिंग करने वालों के लिए ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। वो किस तरह की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है कि जैसे कि आप मान लो कोर इंजीनियर आप हो और इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। आप सब लोग इंडस्ट्री तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करो। जब तक आप इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप इंडस्ट्री तक नहीं जाओगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपके लिए चीज़ें समझ से बाहर हो जाएंगी, शायद आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, लाइफ में चीज़ें मतलब इतनी हद से आगे चली जाएंगी, आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, अपने फील्ड में महारत हासिल करो, अपने फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लाओ। ये नहीं कि आप टॉप कर रहे हो थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के, वो ज़्यादा काम नहीं आने वाला। मैं बता दूँ, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकली लाइफ जियोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिकली लाइफ नहीं जियोगे तो चीज़ें बहुत समझ से बाहर हो जाएंगी और आपको लगेगा, अरे यार मैंने लाइफ में क्या कर लिया, क्या चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर गया। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड टाइप में लगेंगी, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में यहाँ जाना है, मुझे लाइफ में इस तरह से रहना है, इस तरह से चीज़ें काम करेंगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है लाइफ में आपको, फिर जाके आप स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और चेंजेस 2023 में बहुत मेजर मेजर चेंजेस होने वाले हैं इंजीनियरिंग में। कुछ और मेजर चेंजेस हैं जो मैं आपको कमिंग वीडियोज़ में बताता रहूँगा, और आप लोग चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहिए। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ चैनल पर, पहला वीडियो डाल दिया बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो लोग आप लोग जाकर के देख सकते हो और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचती रहे। तो बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे वो ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।